हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। चलिए आज करते हैं कुछ ऐसे एरियाज़ और चीज़ों की क्लीनिंग जिनको हम डेली क्लीन नहीं करते हैं, बट कई बार इनकी क्लीनिंग फिक्स टाइम से भी ज़्यादा लेट हो जाती है। लेकिन जब दिवाली पास हो तो एक लिस्ट रेडी कर लें और वन बाय वन शुरू करें घर का कोना कोना साफ करना। सो आज मेरी लिस्ट में एक रूम के कर्टन्स, कुछ रग्स को क्लीन करने के साथ साथ किचन चिमनी और फ्रिज की बैक साइड को क्लीन करना है। बट जिस दिन ऐसा कुछ करने का डिसाइड करें उस दिन रूटीन वर्क में से कुकिंग को छोड़ के बाकी सब स्किप कर लें। ब्रेकफास्ट सबको करवा दिया है, अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ जिसमें है वेजिटेबल ऑमलेट एंड कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट रेडी करते करते लंच भी मैंने साथ ही बना दिया था, क्योंकि जब आप डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो उसे बीच में ही छोड़ के वापस कुकिंग करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बस दिवाली के पास ऑल्टरनेट डेज पे मेरा यही स्केड्यूल रहता है, एक लिस्ट और डेट डिसाइड करती हूँ, कुकिंग वर्क ख़त्म करने के बाद अपना क्लीनिंग टारगेट कम्प्लीट करती हूँ। डोरमैट्स को मैं वीकली वैक्यूम करती हूँ, लेकिन इनको हम बार बार वॉश नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके फाइबर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इनको ही सोपी वाटर में सोक कर दूंगी, जिससे कि इनकी सारी डर्ट निकल जाएगी और मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। जब तक ये पानी में सोक रहेंगे तब तक मैं अपना बाकी का काम ख़त्म कर लूंगी। इनको डिप करने के लिए मैंने एक बड़ा टब लिया है जिसमें पानी के साथ एक स्कूप फुल डिटर्जेंट डाला है। डिटर्जेंट आप अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस वन बाय वन मैं सारे मैट्स इसमें डिप कर दूंगी। सबसे पहला काम मैंने इनको डिप करने का किया है और सबसे लास्ट में इनको निकालूंगी। उसके बाद मैंने दो बर्तनों में पानी रखा है बॉयल करने के लिए, क्योंकि मुझे चिमनी क्लीन करनी है। बॉयल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मुझे पानी काफी हॉट चाहिए। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं रूम के कर्टन्स निकाल के उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। सारे घर के कर्टन्स मैं ईयरली ही वॉश करती हूँ, क्योंकि ये लाइनिंग लगे हुए हैवी कर्टन्स हैं और ईयर में इनको 2 times वॉश करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन पूरे घर के कर्टन एक ही बार वॉश करना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए एक बार में मैं एक ही रूम के कर्टन्स वॉश करती हूँ। अपनी टू डू लिस्ट में काम उतना ही लिखना चाहिए जितनी आपकी स्ट्रेंथ अलाउ करती है। लंबी लिस्ट रेडी कर लेना और फिर इरिटेट होना या इतना टायर्ड हो जाना कि नेक्स्ट डे कुछ करने का मन ही ना करे, उससे बेटर है कि टाइम रहते काम शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करने से भी टाइमली खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कपड़े के कुछ पीसीस का मैं यूज कर रही हूँ कर्टन्स के रिंग्स को टाई करने के लिए। इनको टाई मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि वॉशिंग मशीन में यहाँ वहाँ लगते हुए कहीं ये ब्रेक ना हो जाएं, और वॉशिंग मशीन के टब पे स्क्रैच पड़ने से भी थोड़ा बचाव रहता है। वेट आपकी वॉशिंग मशीन इजीली ले सकती है, उतना ही वेट इसमें डालें। तो एक रूम के 6 कर्टन्स हैं, लेकिन मैं एक बार में सिर्फ 3 कर्टन्स ही इसमें डालूंगी। अगर आपके कर्टन्स प्योर सिल्क में हैं तो आप उसे इजी के साथ भी वॉश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में कम्फर्ट डाल रही हूँ थोड़ा सा कंडीशनिंग के लिए। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इसकी। अब मैं इसे चलाऊंगी डेलिकेट साइकिल पे जो चलेगा 50 minutes के लिए। इसी साइकिल पे हम वूलन्स भी वॉश करते हैं। और इधर किचन में पानी भी बॉयल हो चुका है और चिमनी के फिल्टर्स मैंने निकाल लिए हैं। सबसे पहले मैं खाली कर रही हूँ ऑयल होल्डर को, तो आप देख सकते हैं कि कितना ऑयल इसमें इकट्ठा हो जाता है। इस ऑयल को गार्बेज बैग में निकालना ही ठीक रहता है, नहीं तो किचन सिंक को तो ये ब्लॉक कर देगा। इसमें से एक्सेस ऑयल को निकालने के लिए मैंने न्यूज़पेपर से इसको साफ किया है। किचन फिल्टर्स को क्लीन करने के लिए आप किसी फ्लैट टब का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो अब जो पानी मैंने गर्म करके रखा था उसको मैंने इसमें उडेल दिया है। बहुत ही गर्म पानी है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पानी आपका बॉयल होना चाहिए। दोनों के दोनों बर्तन पानी के मैंने इसमें खाली कर दिए हैं, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कास्टिक सोडा। एक तरह का केमिकल है ये, इससे आपकी चिमनी मिनटों में क्लीन हो जाएगी, लेकिन ये आपकी स्किन को हार्म कर सकता है, इसलिए या तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें या फिर किसी बर्तन की हेल्प लें। पानी में डालते ही इसका रिएक्शन देख सकते हैं आप कैसे बबल्स बन रहे हैं, तो प्लीज अपना फेस भी आप थोड़ा पीछे रखें। कहने को तो मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप आधे घंटे के लिए इनको डिप करके रखें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि विद इन 5 minutes ही आपके फिल्टर्स को क्लीन कर देगा। लेकिन इतना ख्याल रहे कि आपके पूरे के पूरे फिल्टर्स इसमें डिप होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पूरी डर्ट ऊपर आ चुकी है और 5 minutes हो गए हैं तो मैंने फिल्टर्स निकालना शुरू किया है। कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कि इसको मुझे ब्रश करने की जरूरत पड़े, बट आई एम जस्ट पासिंग माई टाइम। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि अभी इसमें कुछ चिकनाई किसी एरिया में बाकी है तो आप इसे वापस 5 minutes के लिए डिप कर सकते हैं, और अगर फिल्टर्स काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं तो आप कास्टिक सोडा उसके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा जो नीचे वाला फिल्टर है वो अभी तक साफ नहीं हुआ है, तो 5 minutes के लिए मैं इसको और इसके अंदर छोड़ूंगी। और जो फिल्टर्स मेरे क्लीन हो चुके हैं उन्हें मैं डिश वॉश सोप के साथ थोड़ा क्लीन कर लूँगी।
चलिए अब दूसरे वाले को भी निकाल देते हैं, तो ये भी क्लीन हो चुका है। अगर आपको फिर भी कहीं ज़रूरत महसूस होती है हल्का ब्रश लगाने की तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बिना एफर्ट किचन चिमनी को क्लीन करने का ये बेस्ट वे है। तो फिल्टर्स तो हमारे क्लीन हो गए हैं, लेकिन अब हमें चिमनी को भी क्लीन करना है। उसके लिए थोड़े से पानी में मैंने कास्टिक सोडा डाला है और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा डिश वॉश सोप। इसका एक मिक्सचर हम रेडी कर लेंगे और ब्रश की हेल्प से हम इसको सारी चिमनी पे अप्लाई करेंगे। पूरी चिमनी पे इसे अच्छे से हम लगा देंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद ब्रश के साथ हम इसको हल्का रब करेंगे और कपड़े के साथ पोंछ लेंगे। पाँच मिनट के बाद मैंने इसे दोबारा अच्छे से रब करना शुरू किया और देखते ही देखते सारी डर्ट इसमें से निकल गई और चिमनी नई चिमनी के जैसे चमकने लगी। चिमनी क्लीन की, उसके बाद मैंने लंच किया, फिर कर्टन्स निकाले। जो कर्टन्स धुल चुके थे उन्हें सूखने के लिए डाला और बाकी के बचे हुए कर्टन्स को भी वॉशिंग मशीन में डालने के बाद मैं आ गई फ्रिज की बैक वॉल को क्लीन करने के लिए। डेली हम डस्टिंग करते हैं, मॉपिंग करते हैं, लेकिन फ्रिज का बैक एरिया हमेशा रह जाता है क्योंकि इसे हटाना पड़ेगा तो पीछे क्लीनिंग होगी। फ्रिज के फ्रंट डोर की क्लीनिंग तो होती रहती है, लेकिन उसकी साइड्स और बैक की क्लीनिंग रह जाती है। तो यही मौका होता है जब हमने फ्रिज को बाहर निकाला है, तो वेट क्लोथ से उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ये बैक साइड का स्विच है कितना गंदा हो गया है। साथ ही वॉल, फ्लोर और जो कैबिनेट्स की वॉल्स होती हैं जो फ्रिज के साथ लगी हुई होती हैं, उन्हें भी क्लीनिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं इसकी ड्राई डस्टिंग करूंगी ताकि इसकी डस्ट निकल जाए और उसके बाद मैं वेट क्लोथ से इसको क्लीन करूंगी। इलेक्ट्रिकल स्विच को क्लीन करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर मैंने कॉलिन का स्प्रे किया है, उससे ये बहुत ही ईजीली क्लीन हो जाएगा। वॉल को क्लीन करने के लिए मैं डिश वॉश सोप और स्क्रब का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका वॉल पेंट वॉशेबल है तो ही इसका यूज़ करें, अदरवाइज अवॉइड करें। उसके बाद वेट क्लोथ से एक वाइप एंड ऑल डन। फ्लोर को क्लीन करने के लिए मैं टाइल स्क्रबर का यूज़ कर रही हूँ। कोई भी केमिकल का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे नहीं किया है, सिंपल डिटर्जेंट डाला है और इससे ही क्लीन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिन चीज़ों की क्लीनिंग मैं आज कर रही हूँ दिवाली के बिल्कुल पास जाके अगर उन्हें फिर से क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो नहीं करूँगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि ज़्यादा गंदी होने की वजह से जो टाइम आज इन्होंने लिया है वो टाइम तब नहीं लेंगी। और दिवाली के पास अगर हम शॉपिंग में बिज़ी होते हैं और क्लीनिंग के लिए कोई हेल्पर हायर करते हैं या मेड से भी करवाते हैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी क्लीनिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं। डोर मैट्स को सोक किए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और ये क्लीन भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा है, तो बस इसे मैं निकालती जाऊंगी और उसके बाद साफ़ पानी से इनको वॉश करूंगी। मैं तो डोर मैट्स को इसी तरह से वॉश करती हूँ, कोई ब्रश लगाने की इनको ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी इनके फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, अगर हम ब्रश लगाते हैं तो आसानी से निकल जाते हैं। अगर डोर मैट्स को क्लीन करने का इससे भी ईजी और बेस्ट मेथड आपके पास है तो प्लीज़ मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कर्टन्स मेरे धुल चुके हैं, ऑलमोस्ट सूख भी चुके हैं। थोड़ी देर इनको धूप और लगवाऊंगी, उसके बाद आयरन करने के लिए देके आऊंगी। We'll be right back.
घर का एक डोर और विंडो मेरी डेली डस्टिंग में इंक्लूडेड है, लेकिन जब हम कर्टन निकाल देते हैं तो डस्टिंग करना और भी ईजी हो जाता है, तो मैं भी यहाँ पर वही कर रही हूँ। सोचा कि कर्टन्स लगाने से पहले पूरी विंडो अच्छे से क्लीन कर दूँ। इस टेयर का यूज़ जब मैं अपनी किसी वीडियो में करती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि इसका लिंक दीजिए, तो मैंने ये ऑनलाइन बाय नहीं की थी, मैंने ये 18 सेक्टर की मार्केट से बाय की थी। मैं इस टेयर का नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कि ये हैवी स्टेयर है तो काफ़ी सेफ भी है, जबकि लाइट वेट स्टेयर से गिरने का डर रहता है। तो लीजिए कर्टन्स भी मेरे आयरन होके आ गए हैं। हैवी प्रेस के साथ इनकी आयरनिंग बहुत अच्छी होती है, तो चलिए इनको फटाफट लगा लेते हैं। डिनर सब लोग कर चुके हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, तो हम लोग डिनर बाद में करेंगे। तब तक फ्री बैठने के बजाय अच्छा है कि कर्टन्स अभी लगा लिए जाएं, क्योंकि इस वक्त मुझे हेल्प भी मिल सकती है, क्योंकि ये हेल्पर सुबह स्कूल में होगा। और वैसे भी कल का दिन मैं एक गैप लूंगी, उसके बाद फिर से एक लिस्ट बनेगी जिसमें नेक्स्ट रूम के कर्टन्स के अलावा और भी काम होंगे। दिवाली आने से पहले डी क्लटरिंग और काफ़ी हद तक घर की क्लीनिंग हो चुकी होगी। बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनके एग्जाम्स होने दें, उसके बाद आप उनकी हेल्प के साथ भी क्लीनिंग कर सकते हैं। लीजिए आज की टू डू लिस्ट में जो भी मैंने काम लिखे थे वो मैंने सब कंप्लीट किए। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे लाइक्स और कमेंट के जरिए मिलता रहता है, इसे बरकरार रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।